स्वागत करता हूँ। देखते हैं आज की खास खबर। मेरठ में सबसे ज्यादा झुग्गियां फूकी गई। एक अफवाह से मेरठ में हिंसा भड़क उठी जिसमें 100 से ज्यादा झुग्गियां स्वाह हो गई। उत्तर प्रदेश मेरठ के सदर इलाके की यह घटना है जहां कभी बस्ती हुआ करती थी आज वहां बस राख और धुआं फैला हुआ है। यह आशियाना अपने खून पसीने से लोगों ने तिनका जोड़ के खड़ा किया था, अब वो जलकर खाक हो चुका है। एक अफवाह ने इस इलाके को तहस नहस कर दिया जैसे कि सब कुछ छीन लिया हो। बात दरअसल ये थी कि मेरठ कैंट के थाना सदर इलाके की मलिन बस्ती में कैंट बोर्ड की टीम पुलिस के साथ अवैध निर्माण हटवाने गई थी। उसी वक्त ये बात फैल गई कि बोर्ड और पुलिस की टीम अवैध वसूली करने के इरादे से पहुंची है। ये बात आग की तरह फैल गई और लोगों से पुलिस के साथ कहासुनी हो गई। थोड़ी ही देर में बात इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लोगों का यह आरोप भी था कि पुलिस की टीम ने ही उनके इलाके में आग लगा दी और झुग्गियों में मौजूद गैस सिलेंडर ने आग में घी डालने का काम किया है। आग ने हवा का रुख ले लिया और देखते ही देखते करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक इलाके के रहने वाले लोगों के सपने जलकर खाक हो चुके थे। गुस्साए लोगों ने रोड पे जाम कर तोड़फोड़ चालू कर दी और कई वाहनों को भी तोड़फोड़ कर दिया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए MNS News Live।